तेलंगाना सरकार के एक फैसले से राज्य के किसान असमंजस में है। दरअसल राज्य सरकार ने रबी सीजन में धान की खेती करने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। धान के बीज बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। के चंद्रशेखर राव की सरकार ने यह फैसला उस वक्त लिया है जब धान की खेती का काम शुरू ही होने वाला है। किसान इसकी सारी तैयारियां कर लिए थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब आखिर करें तो क्या करें। यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राज्य में धान की खेती को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित कर रहे थे। उन्होंने एक बयान दिया था कि किसान जमकर धान की खेती करें, सरकार सारा का सारा धान MSP पर खरीद लेगी। इसके बाद राज्य में धान का रकबा बढ़ता गया। एक समय में राज्य पंजाब के बाद खरीफ और रबी सीजन मिलाकर धान उत्पादन में दूसरे नंबर पर रहा। राज्य सरकार का कहना है कि MSP पर धान की खरीद करने वाली केंद्रीय एजेंसी भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI ने रबी सीजन के दौरान उत्पादित धान के स्टॉक को खरीदने से इनकार कर दिया है। इसी वजह से तेलंगाना सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने सितंबर के महीने में एक बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि धान की खेती किसानों के लिए अब आत्मघाती साबित होने वाली है। राज्य सरकार इस पूरे प्रकरण के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है। उनका कहना है कि अगर MSP पर धान की खरीद नहीं होगी तो किसानों को उत्पादन करके क्या फायदा। किसानों का कहना है कि राज्य सरकार ने ऐसे समय में यह फैसला लिया है कि हमारे लिए मुश्किल हो गई है। अब इस वक्त हम वैकल्पिक फसल की खेती करने की स्थिति में नहीं है। किसानों ने कहा है कि अगर सरकार को यह फैसला लेना ही था तो पहले ही अलर्ट कर देती, कम से कम एक साल का समय दिया जाता। धान के अलावा किसी अन्य फसल की खेती करने को लेकर किसानों के मन में एक और चिंता है। तेलंगाना से केंद्र सरकार समर्थन मूल्य पर सिर्फ 7 फसलों की खरीद करती है, बाकी के फसलों की MSP पर खरीद राज्य सरकार करती है। किसानों का कहना है कि अगर हम धान के अलावा किसी अन्य फसल की खेती करते हैं तो समर्थन मूल्य पर उसकी खरीद की गारंटी कौन देगा। किसानों की चिंता से उलट तेलंगाना के कृषि मंत्री S. निरंजन रेड्डी ने कहा है कि अगर किसान धान के अलावा वैकल्पिक फसलों की खेती करते हैं तो किसी परेशान की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसान मूंगफली, बंगाल चना, काला चना और तिल जैसी फसलों की खेती का दायरा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमें जानकारी मिली है कि काफ़ी किसान मक्का की खेती की तरफ भी रुख कर रहे हैं क्योंकि उत्पादन ज़्यादा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि इन फसलों की खुले बाजार में अच्छी मांग है और किसानों को पर्याप्त भाव भी मिल रहा है। कृषि मंत्री के दावों के उलट किसानों का कहना है कि इन फसलों की कीमत बाजार में MSP से कम है, ऐसे में हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार को कोई व्यवस्था करने के बाद ही यह निर्णय लेना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।